हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चित्रकला, जो कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें कितना सिलेबस आपका कम किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल के कक्षा 10 के चित्रकला में आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-2021 में विद्यालयों में समय से पाठन का कार्य था वो पूरा नहीं हो सका, जिसके लिए क्या कर दिया गया बच्चों, 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें आपका जो कला है, चित्रकला है, इसमें चित्रकला में क्या कम किया गया उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और क्या चीज़ें आपको करना है और आपको कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आएगा वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो निकाला गया आपका खंड है, इसी खंड में छेड़छाड़ किया गया, खंड ग में भारतीय चित्रकला से छेड़छाड़ आपका हुआ है। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें चार प्रश्न होंगे, ठीक। इस खंड में चार प्रश्न होंगे, इसमें से दो प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो अनिवार्य होगा, यहाँ पे बता दिया गया बच्चों आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके सिलेबस में है क्या, 70% जो आपका सिलेबस है उसमें क्या आपको पढ़ना है। तो आइए 70% सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसा कि जो आपका चित्रकला है, ठीक है, कक्षा 10 का, इसमें बताया जा रहा है कि 30 अंक तो आपके किसके मिलेंगे, प्रोजेक्ट के, और 70 अंक आपके किसके मिलेंगे, लिखित के, जैसा कि हमेशा होता है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, यानी कि यह प्रश्न पत्र जो होगा 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड क अनिवार्य होगा और खंड शेष खंडों में से एक करना, यानी कि ख और ग में से आपको एक करना है, ख और ग में से आपको क्या करना है, एक हल करना है, समझ गए आप, ठीक है। तो प्रश्न जो खंड क है अनिवार्य है, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण, जल रंग तथा पेस्टल रंगों में भरे, ठीक है। यहाँ पे इसकी साइज दे दी गई है 20x15 सेंटीमीटर के अंतर्गत, अथवा आलेखन चतुर्भुज अथवा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई का मौलिक आलेखन बनाए, यानी कि या तो आप प्राकृतिक दृश्य बता सकते हैं या फिर कोई एक आलेखन बना सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्राकृतिक दृश्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आलेखन में आपको एक कोई भारतीय फूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और भारतीय फूल वो बना के उसको पेस्टल रंग से आपको क्या करना पड़ेगा, 3 रंगों का प्रयोग करके उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रंगना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि खंड क जो होगा आपका 45 नंबर का होगा, ठीक है। कितने का होगा बच्चों, 45 नंबर का होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा आता है आप लोग का स्मृति चित्रण, ठीक है, क्या आता है, स्मृति चित्रण, ये आपका 25 नंबर का होता है। इसमें क्या बनाने के लिए आता है कि साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे सुराई, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास, तरकारी, फल आदि, ये सारी चीज़ें आपकी बनानी होती है। पेंसिल द्वारा आरेखन करना होता है, इसमें आपको कलर नहीं करना होता है, नहीं कोई शेडिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 25 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 और 25 आपके कितने नंबर हो पा रहे हैं, तो आप जोड़ेंगे तो आपका 70 नंबर ये पूरा हो जाएगा। तो दो ही आप खंड करेंगे, क और ख, ग नंबर वाले को आप छोड़ देंगे, ठीक है। जो ग नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे भारतीय चित्रकला सा, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे बच्चों, छोड़ देंगे। भारतीय चित्रकला का जो आपका प्रश्न होगा इसे आप छोड़ देंगे, ठीक है। क और ख को आप हल करेंगे और आपको क्या होगा, पूरा 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक कि आपको जो जानकारी हम दिए हैं, जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद जैसे ही हम आपके कमेंट को देखेंगे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।